का जो ये मुबारक महीना है, इसमें जो इबादत की जाती है वो भी घर में रहकर ही की जाए, और इसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम सबको आज इस्तकबाल करना चाहिए इनका कि इन्होंने ये निर्णय लिया, और मुझे बहुत गर्व है कहते हुए कि इस निर्णय को हम लोग बिल्कुल पूरा उतारेंगे। इससे आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल, वी ऑल शुड क्लैप फॉर यू। चलो भाई आ जाओ, क्लैप करते हैं। रमज़ान में जो है, जो और महीनों में होता है ऐसे ही रमज़ान में होता है, उसमें नमाज़ ज़्यादा होती है, तो सब लोग अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ेंगे, मस्जिद में कोई नहीं आएगा। जो इबादतें करनी है, रोज़ा इफ्तार करना है, तरावी पढ़नी है, सब लोग अपने अपने घरों में करेंगे। हमने उसकी अपील की है और लोगों ने हमारी अपील को माना है। क्या अपील करेंगे आप? सभी मुसलमान भाइयों से अपील यही है, मैं पहले भी कर चुका हूँ 2-3 दफ़ा, कि हर आदमी अपने घर में रहकर इबादत करे, मस्जिद में ना आए। मोहम्मद इमरान साहब, हाजी नूर साहब, और अपनी मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से और आवाम की तरफ से अपने DGP संजय बेनीवाल जी, SSP मोहतरमा नीलांबरी जी, और हमारे DSP रामगोपाल जी, DSP अमीर सिंह जी, दिलशेर सिंह जी, और दीगर तमाम लोग जो पुलिस डिपार्टमेंट के हैं, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हम पूरी कम्युनिटी की तरफ से इनका शुक्र अदा करते हैं कि इन लोगों ने यहाँ आकर हमारा हौसला बढ़ाया और एक ऐसा मैसेज दिया जिससे चंडीगढ़ नहीं बल्कि देश के पूरे आवाम इससे मुतमिन और खुश होंगे। सराहने को लायक इनका एक फैसला है जो इन्होंने आकर मुस्लिम कम्युनिटी का एक साथ दिया और भरोसा दिलाया कि हम सब एक हैं और हम सब इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ, मोहब्बत के साथ पूरे मुल्क के अंदर, बिलखसूस अपने शहर चंडीगढ़ में रहकर एक इंसानियत का सबूत देंगे। और जैसा कि इस वक्त मैंने देखा मीडिया, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आप लोगों ने इसके बेहतरीन आप तशरीफ लाए हैं, और सर रिक्वेस्ट आप करेंगे, इससे एक ऐसा मैसेज जाएगा देश के अंदर, जो लोग नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके मुंह पर एक तमाचा है। हम लोग इंडियन हैं, भारतीय रहेंगे इंशाल्लाह, और हिंदुस्तान का हर आवाम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जैसे कि चंडीगढ़ के लोग इनका साथ दे रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हमारा साथ दे रही है, हम पूरे मुल्क के आवाम से और बिलखसूस मुसलमानों से अपील करते हैं कि जैसा हमारा कॉम्बिनेशन एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिला हुआ है, ऐसा ही पूरे देश के अंदर अगर रहेगा तो ये देश हीरे की तरह से इंशाल्लाह चमकेगा। और रही बीमारी की बात, बीमारी जब आती है वो किसी का धर्म जात, किसी की डिग्री नहीं पूछती। अगर डिग्री पूछती, धर्म जात पूछती और वो अच्छा तालीम पूछती तो दोस्तों अमरीका सबसे ज्यादा मुतला होता। आज सबसे ज्यादा बीमारी अमरीका के अंदर, मौतें अमेरिका के अंदर, इटली के अंदर, चाइना के अंदर। इसलिए हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं, बड़े खुश नसीब कि हमारा मुल्क फिर भी बेहतरीन रह सकता है। और इस कोरोना वायरस को जब तक हम इसे हराएंगे नहीं, चैन से नहीं बैठने के। और एक चीज़ बता देता हूँ कि आज तक शायद 1947 में ऐसे वाक्य नहीं हुए कि किसी लोगों ने किसी रमज़ान के महीने में अपने घर रहकर इबादत की हो। ये पहली बार ऐसा मौका हो रहा कि रमज़ान के महीने में मुकद्दस जो 98% लोग पूरी इबादत मस्जिद में रहकर क्या करते हैं, आज वो मस्जिद से महरूम है। क्यों? तो हमने इंसानियत को बचाना है, ये इबादत हम घर रहकर कर सकते हैं, लेकिन ये बीमारी अगर पल्ले पड़ गई, ज़्यादा परेशानी आ रही, इसको हम भगा नहीं सकते। इसलिए देश के हित में, आवाम के हित में, इंसानियत के हमने जो फैसला लिया है, मैं समझता हूँ कि पूरे देश के लोग, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग, इसकी पूरी पालना करें ताकि इस बीमारी से हम निजात पाएँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी हमारा डिपार्टमेंट पुलिस का और एडमिनिस्ट्रेशन का जिस तरह से हमारे साथ रहे हैं और हमने इनका साथ दिया है, इंशाल्लाह मैं आपसे उम्मीद करता हूँ और यकीन दिलाता हूँ आपके साथ फिर भी ऐसे रहेंगे। खासकर मोहतरमा नीलांबरी जी हैं, ये रोज़ाना 24 घंटे लगातार घूमती फिरती रहती हैं, हालांकि इनका काम नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते बेचारी घूम रही हैं, फिर रही हैं, ताकि इंसानियत को बचाया जा सके। यह सब हम लोगों की जिम्मेदारी है,
कि हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन के कानून की पूरी पूरी पालना करें ताकि इसको भगाया जा सके। और ख़ासकर मैं राम गोपाल जी का बहुत मशहूर हूँ कि बेचारे 24 घंटे हर वक्त हम शराबते में रहते हैं और मालूम करते रहते हैं। और इसी के साथ मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो प्रोग्राम हुआ है आप इसी अंदाज से दिखाएं ताकि देश के अंदर एक मोहब्बत का पैगाम जाए, नफरत को मिटा सके। मोहब्बत होगी तो इंशाल्लाह फिर हमारा जिंदा रहेगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आप सबको आने वाली ईद बहुत मुबारक हो और बड़ा बड़ा मुकद्दस ये बड़ा अच्छा महीना है, खूब इबादत करें और अच्छे से करें हम लोग। अच्छा बच्चे, ईद उल फितर हमारे ईद की सेमस पर हमारे यहाँ बड़ा मजदूरी है। पक्का मजदूरी, ठीक है, जरूर आएंगे वहीं पे ईद आपके साथ ही मनाएंगे। थैंक यू। अच्छा जी।